जनपद मुजफ्फरनगर के मीडिया सेंटर पर नेशनल आर्मी बहुजन एकता मिशन संगठन नेतृत्व के साथ ही जहां पर प्रेस वार्ता पत्रकारों को दी गई जानकारी। संस्थापक के संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने बताया है कि देश भर में हो रहे दलित एवं मुस्लिमों पर अत्याचार के संबंध में सभी को बताया जा रहा है कि प्रेसवार्ता के संस्थापक ने देश भर में पीड़ित की आवाज़ उठाने का ऐलान किया है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जहां पर दलित समाज के ऊपर अत्याचार कम नहीं हुए बल्कि बड़े हैं, और उत्तर भारत के दक्षिण भारत तक तमिलनाडु राज्य में एक महीने में 40% वृद्धि हुई है। वहीं दर्शक आपको बता चले कि पुलिस खुद उत्पीड़न में शामिल हुई है। लॉकडाउन का जहां पर दलित समाज के लोगों ने बेरहमी से मारा गया है। संगठन दलित समाज के पीड़ित की आवाज़ उठाने का काम करेगी। जी भैया, आपका नाम लोकेश कटारिया। लोकेश जी, क्या किस तरह को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बहुत कमजोर है। देखो, आज नेशनल आर्मी बहुजन एकता मिशन का मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मेन मोटिव है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान ढाई तीन महीने में जो हमारे दलित समाज पर जो अत्याचार हुए हैं उसके विषय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या क्या मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, अन्य राज्य हो गए, कई राज्यों में दलित उत्पीड़न हुआ है, कहीं पर बलात्कार हुआ है, कहीं पर हत्या कर दी गई, कहीं मंदिर में अगर दीवा जलाने जा रहे तो हत्या कर दी गई, कहीं कुलाड़ी से हत्या कर दी, किसी की जेल में ही मौत हो गई। तो इस विषय को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। किस तरह का विस्तार किया जा रहा है अपनी संगठन का? विस्तार इस तरीके से किया, लगभग ये 12 राज्यों में संगठन फैल चुके हैं, और हमारा जो संगठन है सबसे पहले शोषितर पीड़ितों की आवाज़ उठाने का कार्य करता है, और जो भी काम करता है संविधान के दायरे में करता है, क्योंकि हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। संविधान जो बनाया है वो संविधान के अकॉर्डिंग, जो बाबा साहब कह गए थे, जो भी काम करो संविधानिक। आपने कहा अभी जो किन्नर एक समाज है उसको संगठन में जगह दी है, जो किन्नर समाज की है हमने उसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर संगठन में जगह दी है एक मान सम्मान तरीके से, और जल्द ही हम उसकी घोषणा कर चुके हैं। और बड़े बैनर तले जब लॉकडाउन नॉर्मल हो जाएगा दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करके तब उन्हें मनोनीत किएंगे, ताकि किन्नर समाज को लगे कि कहीं ना कहीं उनका सम्मान किया गया। अच्छा, दलित समाज के लिए क्या क्या जो शोषित वर्ग है किस तरह का कार्य कर? शोषित सबसे पहले है हमारा शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा ही सबसे मेन मोटिव है, और हम हथियारों में नहीं शिक्षा में वो रखते हैं विश्वास, यानी कि युद्ध में नहीं सिर्फ बुद्ध में विश्वास करते हैं। और शिक्षा गांव-गांव में हम भीम पाठशाला चलवाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहन बेटियां होती है जिनकी शादी टाइम पर नहीं होती वो शादियां करवाने का प्रयास करते हैं, कहीं पर उत्पीड़न होता है उसकी आवाज़ उठाने का कार्य। अच्छा, आपने अपनी पार्टी का नाम रखा है नेशनल भीम आर्मी, जबकि एक भीम आर्मी चंद्रशेखर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।